अच्छा है, अभी से ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इनका ब्लड मेरा ख्याल काफी गर्म है। जी बिल्कुल, देखिए ये हमारी जो है ये भी हमारी तकरीबन बी क्वालिटी की है। बी क्वालिटी की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं एच एस एन एंटरटेनमेंट। इनका नाम सानिया है, आप लोग अभी भी एच एस एन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। इसका नाम है जग्गा और जग्गा पूरा बदमाश है भाई, हाथ में नहीं आता, बड़ी मुश्किल से इसे काबू में किया हुआ है। ये देखें, उसको कुछ नहीं कह रहा, मुझे मार रहा है ये। तो सानिया कितनी उम्र का है जग्गा? ये 6 दांत, 6 दांत का जग्गा है और आज आपको प्रॉपर 26 इंच कान है, लेकिन बहुत तेज है यार, हाथ में नहीं आ रहा, बहुत तंग कर रहा है। तो सीन ये है कि अगर आप लोगों को इसके बच्चे चाहिए या फिर आप लोगों को फीमेल चाहिए इस क्वालिटी की, या फिर इस क्वालिटी के या इससे अच्छी क्वालिटी के ब्रीडर चाहिए, तो किस तरह से मिलेंगे आप लोगों ने वीडियो फुल देखनी है। सानिया का ये फार्म है, सानिया की एक वीडियो पहले आ चुकी है। सानिया के फादर से आज हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाईजान किस तरह से आके यहाँ से ले सकते हैं और क्या क्या क्वालिटी है, और आप लोगों के घर के करीब कौन सा फार्म पड़ता है जहाँ से आप लोग आके चीजें देख के लेके जा सकते हैं। ये हमारे मुनीफ भाई हैं, सानिया का बड़े भाई, सॉरी फादर है ना जी। माशाल्लाह से कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले आपने मूछें वगैरह रखी हुई थी ना जी, बिल्कुल, अभी आपने ट्रिम करवाई है तो बिल्कुल यंग हो गए हैं दोबारा से। सो मुनीफ भाई, अभी आपके पास कितना ब्रीडर है टोटल, आपके फार्म पे कितना ब्रीडर है? कराची वाला जो है टोटल जितना आपका सेटअप है प्रॉपर, तकरीबन 8 ब्रीडर है। 8 ब्रीडर है, ठीक है। इस ब्रीडर को आप क्या क्वालिटी देते हैं, 10 में से कितने नंबर, मतलब इससे अच्छे भी आ गए तो इस ब्रीडर को आप क्या नंबर देते हैं? बेसिकली ये हमारा 6 दांत का है और 26.5 इंच जो है इसके कान है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहा है। इससे बड़े बड़े भी ब्रीडर हैं हमारे, क्योंकि आपको पता है कि मेन जो हमारा ब्रीडिंग सेटअप है वो नौशेरे फरोज में, तो वहाँ तकरीबन हमारे इस वक्त 5 बड़े ब्रीडर खड़े हैं और तकरीबन 35 बकरियाँ हैं जो माशाल्लाह से जो है मतलब उनके साथ ब्रीडिंग कर रहे हैं। इनमें हमारे पास जो बच्चे हैं, कम से कम हम 4 महीने का जो बच्चा होता है माँ से दूध छोड़ता है उसके बाद करते हैं देते हैं, कहते हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बच्चे जो यंग होते हैं, एक तो वो माँ से जब दूध नहीं पीते तो वो अच्छी हाइट और वो बिल्ड नहीं निकाल पाते, तो 4 महीने के बाद ही हम बच्चे देते हैं। और ये जब 8 दांत में या पूरा दांत काट जाएगा तब तक क्या वेट कर जाएगा ये अपना? तकरीबन ये माशाल्लाह से 4.25 मन करेगा, ठीक है। और इसका अब्बा जो है वो तकरीबन 4.25 मन। तो हम लोग अंदर चलते हैं ना मुनीफ भाई, और इसको छोड़ दें आप भाई, अभी तो नहीं देंगे ना ये? बेसिकली देखिए, हम बच्चे हमने शुरू में दिए बच्चों के 1-1.5 महीने के, पर हमारे एक्सपीरियंस से ये हुआ है कि जो बच्चे माँ से दूध नहीं पी पाते वो एक तो पहली बात है कि बिल्ड नहीं निकाल पाते, और दूसरा ये 65% मोर्टेलिटी रेट है। आप चाहते हैं कि जाया ना हो, जाया ना, ब्रीड पहले ही कम है। हमारे सर नहीं चाहते कि हमारे सर गुना है, ठीक है। आप थोड़ा सा इस तरफ आए, यहाँ पे जो बकरियाँ हैं हमारे, तो वहाँ पे चलता है ना जंतर लूसन और वो दाना दूना जी, तो ये बकरियों को क्या आप डाल रहे हैं सीध वाली साइड पे? हाँ बेसिकली देखें, अभी हम लोग इनको जो बेन जो हमारा ये खाते हैं जिसकी वजह से बेल बनाते हैं वो है गंदम, जो शाम के वक्त मगरिब के वक्त जब इनको हम बंद कर रहे होते हैं उस वक्त इनको दिया जाता है, पर पूरा दिन जो है सुबह और शाम से पहले असर से पहले वो हम देते हैं जंतर, जो कि अभी ख़त्म हो चुका है जंतर। अच्छा, तो उसकी वजह अभी ये हमें मकई की जो कुट्टी होती है वो दे पा रहे हैं, पर उसके साथ जो एक हमारा एक स्पेशल वांडा भी है जो कि आप खुद बनाते हैं, या खुद बनाते हैं। काले चटे के छिलके आ जाते हैं, गंदम आ जाता है, चोकर आ जाता है, और इसके अलावा जो है एक भूसी जो होती है वो डाल के, और जौ, ये 5 चीज़ें मिला के ये वांडा दिया जाता है शाम में। भाई ये कहाँ से लिया आपने? ये भी हमारी होम ब्रीड है। सानिया थोड़ा सा इस तरफ लाना इसको जरा, इसके कान तो बहुत लंबे हैं जी। ये बेसिकली पटेरी क्रॉस है हमारा। पटेरी क्या है, थोड़ा गाइड करें जरा। बेसिकली सिंध के अंदर जो मशहूर हैं वो 3 ब्रीड हैं, एक कामोरी होती है, एक पटेरी होती है, और एक हमारा गुलाबी होता है, ठीक है। तो अमूमन जो गुलाबी और कामोरी का जो क्रॉस होता है वो अमूमन पटेरी बनता है, पटेरी होता है। इसको पटेरी दिखाएं, आसानी दिखाना। वाह यार माशाल्लाह, कान बहुत हैवी हैं इसके, तो अभी से बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इनका ब्लड मेरा ख्याल काफी गर्म है जी, बिल्कुल। अच्छा मुनीफ भाई, थोड़ा सा ना आपने एक्सप्लेन करना है कि गुलाबी में और पटेरी जो आप कह रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, मुझे समझ नहीं आई, थोड़ा सा समझा दें। गुलाबी होती है ना वो आप देखें बिल्कुल प्योर पिंक है, ठीक है, प्योर पिंक है बिल्कुल, उसमें कोई कलर ही नहीं है किसी किस्म का। और कामोरी जो होती है वो बेसिकली ब्राउन जो होती है, ब्लैकिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो ओमन ये होता है कि जब उसका क्रॉस होता है उसकी वजह तो ये पटेरी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इधर आए, ये कितनी एज का बच्चा है? तो ये तकरीबन 8, 8.5-9 महीने का बच्चा है। माशाल्लाह, ये असल में जब ये बड़ा होता है, जैसे अभी आपने देखा वो तो बच्चा है, पर बड़ा होकर कैसे बनता है वो ये है बेसिकली। अच्छा, ये तो बड़ा हाइट ही है।
बड़ी अच्छी ये बेसिकली देखिए इसमें जो है इस तरफ लाइन जरा ये आप देखें इसके अंदर जो है ये गुलाबी आ गया हाफ गुलाबी ये कामोरी का आ गया हाँ ये बेसिकली क्रॉस होके पटेरी के लाते हैं ठीक हो गया ये है पटेरी ब्रीड है कि हमारे यहाँ कुर्बानी पे ये पटेरी खूबसूरती के उसमें आता है जब मेरे लेकिन इसमें आपने देखो ज्यादातर सारे हमारे जो है वो गुलाबी है और इसमें एक दो हमारे जो ये हमने कुर्बानी के हवाले से रखते हैं जो लोग लेके चले जाते हैं पूरा साल आप कुर्बानी के लिए पालते हैं जी ठीक है इस साल माशाल्लाह हमने कुछ 700 बकरे किए थे माशाल्लाह और लास्ट ईयर जो हमने 650 बकरे किए थे है। इस साल हमारा इरादा था कि इसको बढ़ाने का पर आपको पता है अभी फ्लड आ गया ये आ गया तो उसकी वजह से अभी इतनी खरीदारी नहीं की अच्छा दो तीन चीजें कि आपका कितने परसेंट माल पंजाब जा रहा है सर तकरीबन इस वक्त अगर देखा जाए शुरू में तकरीबन जब हमने 4 साल पहले सानिया ने काम शुरू किया था उस वक्त इतने पंजाब से नहीं था सिर्फ सिंध में था पर जब इसकी वीडियोस वायरल हुई तो उसके बाद से तकरीबन इस वक्त समझ ले 80% जो हमारे ब्रीडर्स हैं और उनके साथ जो अच्छी बकरियां हैं वो सब पंजाब जा रही है सब पंजाब जा रही है पंजाब तकरीबन 80% पंजाब में जाके इन्वायरमेंट चेंज होने से पानी चेंज होने से क्या जानवर को प्रॉब्लम आता है सर अभी तक देखा है हमने कि अगर वो लोग कहते हैं जैसे वहाँ पर गर्मी है तो ये बेसिकली ये नवाबशाह की ब्रीड है तो नवाबशाह की ब्रीड तो वैसे गर्म इलाका है कितना गर्म होता है उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा पर हम ये कहते हैं कि जो बहुत सारे वहाँ पे जगहों पे जो पंजाब में लोगों ने रखा है तो वही वाली बात है गर्मी में वहाँ पे कूलर जैसे इंसान को लगाते हैं तो जानवरों को भी लगाना पड़ता है मेन मकसद पूछने का ये है कि पानी वगैरह से तो कोई मसला नहीं आ रहा ह्यूमिडिटी वगैरह से कोई प्रॉब्लम को यही मशवरा देता हूँ कि अगर पंजाब में आपने रखना है तो 4 महीने का बच्चा लें ताकि शुरू से उसको वहीं के पानी की आदत लगी हो सूट कर जाए उसको तो सूट कर जाए क्योंकि अमूमन बड़े जो होते हैं बकरे वहाँ जो जाते हैं तो वो अमूमन वो कुर्बानी के हवाले से जाते हैं और अगर हम लोग कोई गबन बकरी लेते हैं और जो वहाँ पे जाके ब्रीड कर गई एक बार वो तो कामयाब है ना वहाँ पे सर माशाल्लाह बहुत सारी हमारी गई है बकरी और रखे भी तकरीबन दो दो तीन तीन करके मंगवाएं एकदम से ज्यादा ना मंगवाएं ताकि प्रॉब्लम ना हो जो ज्यादातर लोग करते हैं वो एक ब्रीडर ले लेते हैं और उसके बाद 2 या 3 बकरियां लेते हैं ठीक है तो ये देख सकते हैं आप इसकी हाइट बहुत ही हैवी है ये कितना वेट ले जाते हैं ये जो आपके क्या नाम था इसका कामोरी सर ये कामोरी मिक्स क्रॉस है ये पटेरियम इसको क्या पटेरियम ये कितना तकरीबन समझ ये अभी हमारी इस वक्त ये बी कैटेगरी का है ये बी कैटेगरी है तकरीबन ये समझ ले कुर्बानी के टाइम तक ये तकरीबन 2.25 मंथ तक जाएगा 2 से 2.25 इसी की जो हमारी ए क्वालिटी है वो तकरीबन 3-3.25-3-3 मंथ का अच्छा यहाँ पर अभी कौन कौन से पट्टे हैं 4-4 महीने के जो हम मंगवा सकते हैं अपने लिए पंजाब जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह सर ये देखें ये हमारी जो है ये भी हमारी तकरीबन बी क्वालिटी की ही है बी क्वालिटी की क्वालिटी की है इसमें तकरीबन ये समझ लिया अभी ये गबन बकरी है इसके 24 इंच इस वक्त कान है और आप देखें अब इसने चड्डा वड्डा बना दिया अपना ठीक है तकरीबन 4 महीने की गबन है 1 महीना लेगी है तो इसमें आप देख सकते हैं कि अच्छा अभी एक चीज थोड़ी सी बता दें कि जो आप लोगों की गुलाबी ब्रीड है ये जो बकरियां हमें नजर आ रही हैं ये नॉर्मली कितने बच्चे देती हैं 1, 2, 3, 4 जैसे टैडी 4 तक चली जाती हैं और जो दूसरी बड़ी बकरियां हैं हमारी पंजाब वाली साइड है वो 2 बच्चे अमूमन देती हैं ये कितने बच्चों की एवरेज है ये वो सवाल है जो बहुत सारे पंजाब से जब कॉल हमारे पास आते हैं सबसे पहले वो यही करते हैं अमूमन गुलाबी का ये है कि जब वो पहला बच्चा देती है हमेशा 1 बच्चा देती है उसके जो दूसरे टाइम जो टाइमर होती है तो वो 2 बच्चे भी दे देती हैं पर बहुत रेयर होता है कि 3 दे मतलब ये नॉर्मल 1 से 2 पे एक देती है ज्यादातर फर्स्ट टाइम पर दूसरी टाइम में ज्यादातर जो है 80-85% 2 देती है गुलाबी बकरी जो है इसके बच्चों की मोर्टेलिटी रेशियो क्या आती है सर बेसिकली सारी बात है केयर की इनको थोड़ा सा जैसे आप अगर कहते हैं ना केयर की जाए तो मतलब कोई मोर्टेलिटी रेट नहीं है पर हमारे बहुत से लोग कहते हैं यार ये बहुत नाजुक ब्रीड है ये ब्रीड है उस हवाले से अगर हम देखा जाए तो जैसे पंजाब की आपकी राजनपुरी है बिल्कुल वो बहुत नखरे हैं क्योंकि उनको मैंने कराची भी मंगवाया रखा तजुर्बे किए वो थोड़ी सी मतलब नखरेली वाली जिसको आप वो असल में ह्यूमिडिटी का थोड़ा फर्क पड़ जाता है ना वहाँ पे पर यहाँ पर इनका ये उसकी तरह नहीं है ये खाना इनको जो शुरू से दिया जाए मतलब कि अच्छी एक एवरेज निकल आती है मोर्टेलिटी रेशियो कम है इसकी बिल्कुल अगर बच्चा हेल्दी हो जाए डाइट फीमेल की अच्छी रखी हो बिल्कुल डाइट पे सारा खेल है डाइट पे ठीक हो गया अच्छा जो गुलाबी बकरियां हैं जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं आपकी सारी साइज तो बहुत बड़े बड़े हैं ठीक है लेकिन इनकी मिल्क प्रोटेक्शन क्या है नॉर्मली हम लोग बहुत ज्यादा लेवल पर नहीं जाते नॉर्मली एक आम बकरी कितना दूध दे देती है 1 किलो 1.25 किलो 1 किलो 1.25 किलो जबकि पंजाब में जैसे आप कंपेयर करते हैं उनके नागरी है उनके अमृतसरी वो दूध वाली बकरियां 3-3-4-4 किलो आम है उनका पर इसमें नहीं है ये बेसिकली जो है ये अपनी खूबसूरती की वजह से ये मशहूर है दूध की प्रोडक्शन नहीं है उनकी पर ये मेन चलती कुर्बानी पे है कुर्बानी पे चलते हैं बकरे इसके
और वैसे जो है ये खूबसूरती शौक हमारे उधर ना बकरियों में अगर वैक्सीन टाइम पे ना करें या फिर केयर वगैरह थोड़ी कम करें, पीपीआर मुखौर वगैरह और खुरों में कीड़े हो जाना, इस तरह की बीमारियां नॉर्मली हो जाती हैं। आपके जो यहाँ पे बकरे हैं इनके अंदर कौन कौन सी बीमारी आती है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी शौकीन भाई हैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर टाइम पे कराएं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, पाल तो लेते हैं पर वैक्सीनेशन करवाते नहीं है। अगर इसको मैं एक तरह से, दूसरी तरह से ये भी कहूँगा कि बहुत सारी आजकल गवर्नमेंट की जो वो वैक्सीनेशन जो कर रहे होते हैं फ्री में, ये कराची वाले मैं भाइयों को बताऊँगा, तो अमूमन ये होता है कि वो जो है दवा सही नहीं है, ठीक है, एक्सपायर हो सकती है, एक्सपायर होती है और हम लगा देते हैं, डॉक्टर भी नहीं दिखाता आपको और आप लगवा लेते और अपना इतना कीमती जानवर जाया कर देते, ठीक है। इसके बेहतर है आप अपना कोई भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उसे प्राइवेटली इनको हर महीने 3 महीने के बाद इनका लगता है, ठीक है, और 3 महीने के बाद हम लोग ज्यादातर उनके पीपीआर करवाते हैं। और दूसरा ये है कि इनकी जो इस ब्रीड के लिए डीवॉर्मिंग बहुत जरूरी है, अच्छा, क्योंकि अगर हर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है आपको पता है जैसे खाना खा रहे हैं इसके साथ कीड़े वगैरह बहुत सी चीजें जो इनके वो स्टमक में चले जाते हैं जो कि इनका इफेक्ट करते हैं, तो हम इनको यही कहते हैं डीवॉर्मिंग आप प्रॉपर 2 महीने 2.5 महीने बाद करवाते हैं। मतलब हमारे पंजाब और इसमें कोई इतना कोई खास फर्क नहीं है, जिस तरह गुलाबी वगैरह में थोड़ा राजनपुरी हमारे ना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे पढ़ना ना, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप गाइड वगैरह कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम यही कहते हैं सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक मुझे बहुत लोग कॉल करते हैं, मैं पूरी मेरी कोशिश होती है कि अगर वो उनको मैं यही कहता हूँ कि व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज छोड़ दें, आप यकीन करिए मैं सुबह उठता हूँ तो 2-2.5 हज़ार मैसेज मेरा इनबॉक्स इंतजार, सारा दिन यही करते रहते हैं, यही होता है, तो ये कि मेरा मकसद तो यही है कि वो मैसेज छोड़ दें तो वो जरूर जो है, तो अगर किसी ने रابطہ करना तो यही जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है यही चलेगा जी भाई। अच्छा सीरियसली यार मजा आया मुझे यहाँ पे सिंध के लोगों से मिलके, हसन भाई से मिलके, आपसे मिलके, और बहुत फार्म्स पे मैं गया हूँ, बड़ा अच्छे लेवल का शौक किया हुआ, मुझे लगा कि हम पंजाबियों ने सारा लेवल का किया लेकिन यहाँ भी शौक है, मजेदार है, बंदा हमें मिलना चाहिए शौकीन सही। नहीं नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह अगली दफा आएंगे तो अभी देखिए, मैं बता के आऊंगा, इस बार बताया रहा था, माफ़ चाहता हूँ मैं आपसे, और इत्तेफाक के लिए हमारे कुर्बानी के बाद से देखिए हमने जानवर अपने नौशेरपुरों से नहीं मंगवाए, क्यों नहीं मंगवाए क्या आपको पता, रास्ते में पानी और ये बहुत सारी चीजें, पर मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता के आऊंगा, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया इंशाल्लाह ताला। ओके जी, लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई अस्सलाम वालेकुम।